जिन कवियों के आगमन की सूचना आज तक प्राप्त हुई है उसमें हाथरस के कवि श्री बिहारी लाल अंबर जी, हाथरस के एक अन्य कवि श्री प्रमोद मंकर जी, बीरस के कवि इंदौर मध्य प्रदेश से चलकर हमारे बीच में आने वाली मनिका दुबे जी तथा हमारे पास के जिले रायबरेली की कवित्री जिनके गीतों की महक आज पूरे प्रदेश में गूंज रही है, ऐसी कवित्री सानिया सिंह जी हमारे बीच में रहेंगी तथा इस उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मंच संचालक जिन्होंने आपके नगर देवसा में ये कवि सम्मेलन रूपी वृक्ष को लगाया और आज वह वृक्ष फल फूल करके पट वृक्ष बन चुका है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ मंच संचालक विकास गोखल जी तथा हमारे अपने जिले के एक कवि जिनके गीतों की सुगंध आज पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है, ऐसे ही कवि श्री डॉक्टर मनोज दीक्षित जी हमारे बीच में रहेंगे। इसके साथ ही कुछ बाल और स्थानीय कवियों का भी आपको उनके गीत सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में आप स्वयं आए, अपने परिचितों को लाएं, अपने मित्रों को लाएं, अपने रिश्तेदारों को लाएं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से अपने रिश्तेदारों तक आज के कार्यक्रम की सूचना अवश्य पहुंचाएं। और इसी के साथ आप लोग सभी लोग प्रसाद ले लीजिए, आरती ग्रहण कर लीजिए, इसके बाद घर जाइएगा। ट्रेन से बोलो कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज दोपहर 2 बजे से श्रीमद् भगवत कथा का पाठ होगा, इसके बाद 7 से 7:30 बजे आरती और जय हो कार्तिकेय भगवान की, जय हो माता की, जय हो बजरंग बली की, जय हो बजरंग बली की, जय हो रामलला की, जय हो वृंदावन धाम की, जय हो महाप्राण की, जय हो चंडी महायज्ञ की, जय हो लगी जी महाराज की, जय हो धर्म की, जय हो धर्म की, जय हो धर्म का नाथ हो, धर्म का नाथ हो, प्राणियों में माना हो, प्राणियों में माना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर स्वामी आप सभी लोग